आपने जो शिक्षक लोग को समर्थन दिया, क्या उद्देश्य आपका? मेरा उद्देश्य यही है कि आज शिक्षक लोग जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की दौर प्रखंड में किए हैं, अन्य प्रखंड में भी किए हैं, जिला में भी किए हैं, उन लोगों का कहना है कि हम लोग जब समान काम करते हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट का बात करके उन लोगों को टाल मटोल कर रहे हैं, और स्टार मटोल के बीच में शिक्षक लोग भी अड़े हुए हैं। इस कारण से ना कोई शिक्षक का पुत्र या पदाधिकारी के पुत्र वंचित है शिक्षा से, ये आम दलित गरीब गुरुआ का बाल बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित है। आज स्कूल छोड़ के सड़क पर हैं, और बच्चे को काल पर्यटक पूरा नहीं होने पर, कहने का मतलब है कि पूरे बिहार में शिक्षा बिल्कुल ठप हो चुकी है। हाँ, शिक्षा ठप तो हो ही चुकी है, ये आप लोग भी जान रहे हैं, और आज देख लीजिए कि बिहार के कितना स्कूल खुला है और कितना बंद है। और बाकी बात कहने का मेरा यही एक तात्पर्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार से मैं आग्रह करता हूँ कि मेरी आवाज़ अगर उन तक जा रही है तो वो शिक्षक से शांतिपूर्ण वातावरण करे, और शिक्षक से जो भी हो वातावरण करके वो दलित बल वर्ग के बच्चे, गरीब वर्ग के बच्चे जो वंचित हो रहे हैं शिक्षा से, उनको वो स्कूल में लाने का काम करें। इस तरह शिक्षक प्रखंड में धरना दे रहे हैं, बच्चे रोड पर खेल रहे हैं, कल परीक्षा आएगी वो बच्चे पास नहीं कर पाएंगे, वो भविष्य अपना नहीं बना पाएंगे। तीन से किन्हीं अफसर, किन्हीं विधायक, किन्हीं मंत्री का बेटा वंचित नहीं हो रहा है, ये आम आदमी, आम पब्लिक का बेटा वंचित हो रहा है, जिसे मुझे बहुत खेद है। और मैं एक ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते मैं शिक्षक को समर्थन देता हूँ, और मैं शिक्षकों से भी आग्रह करता हूँ कि आप भी बच्चे को भविष्य को देखते हुए गुरु का कर्तव्य निभाएं। और माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करता हूँ कि वो भी गरीब गुर्गे दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे को देखते हुए शिक्षक को शांतिपूर्ण वातावरण करके सुचारू रूप से पठन पठान कार्य को चालू करें। विधानसभा 2020 में जो शिक्षक लोग आज धरना दिया, इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है? कोई आम बात नहीं, ये दिखा दिया दिल्ली का जनता, दिल्ली के जनता के बीच प्रधानमंत्री होते हुए तमाम मंत्री, 21 मुख्यमंत्री भी गए, लेकिन आम जनता उसको दिखा दिया रास्ता।